अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। आप सभी से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे आप क्यूसेट की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, जामिया मिलिया, जेएनयू, डीयू या तमाम तरीके के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स, ये तथ्य, ये फैक्ट्स बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इन सभी को हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए और उसके ट्रेंड के अनुसार उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब विश्व में पहला विश्व युद्ध छिड़ा, जो साल 1914 से 18 तक हुआ, तो साल 1919 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए जो पूरे विश्व में शांति और सिक्योरिटी कायम कर सके। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई साल 1919 में। तो इससे पेरिस कॉन्फ्रेंस, ऑलराइट, याद रखिएगा पेरिस कॉन्फ्रेंस। लेकिन यह संस्था उतनी कारगर नहीं हुई और फिर से दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 में छिड़ गया, जो संभवतः 1945 के अंत तक चला। तो 1945 में फिर से यह निर्णय लिया गया कि नहीं, अब कोई सुदृढ़ संस्था बनानी होगी जो सही में पूरे विश्व पर शांति और सिक्योरिटी कायम कर सके। तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1945 को। याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। उस समय कितने मेंबर थे इसके? तो 51 मेंबर थे। 51 मेंबर्स वर देयर इन द ईयर 1945, जब 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अब आगे इसके तथ्य के बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है, और अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप है जिसके ऊपर ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, 39 मंजिल की बिल्डिंग है, 17 एकड़ में इसकी पूरी जो जमीन है उसका एरिया है, और उस जमीन को दान में किसने दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ की जमीन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए दान में दिया था। याद रख लीजिएगा, जॉन डी रॉकफेलर। ऑलराइट, अब संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन जो नाम है वो किसने दिया था? तो उस समय तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, या डी रूजवेल्ट भी उनको शॉर्टकट में कहते हैं। तो डी रूजवेल्ट याद रख लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। डी रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु हैज गिवन द नेम नेम्ड यूनाइटेड नेशन। आगे बढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान 193 देश है, 193 नेशंस आर देयर इन यूएनओ, जिसमें जो लेटेस्ट शामिल हुआ है उसका नाम है साउथ सुडान। साउथ सुडान इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल मेंबर्स आर 193 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं, 19 अध्याय हैं। तो चार्टर यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संविधान है जिसको चार्टर नाम दिया गया है, उसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। ऑलराइट, चैप्टर्स कह सकते हैं, 19 चैप्टर्स। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 6 भाषाएं मान्य है, जिसको फ्रेस्का नाम से आप याद रख सकते हैं, फ्रेस्का। ऑलराइट, एफ आर ई एस सी ए, फ्रेस्का। एफ फॉर फ्रेंच, आर फॉर रशियन, ई फॉर इंग्लिश, एस फॉर स्पेनिश, सी फॉर चाइनीज और ए फॉर अरेबिक। तो ये फ्रेस्का 6 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो यूएनओ का कार्यभार होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच में ही होती है। तो बोलने के लिए तो वैसे 6 भाषाएं जरूर हैं, वहां पर मान्य है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई और बाकी चीजें होती है वो सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश में ही होती है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। तो कार्यपालिका जो है वो सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल है, और जो बाकी व्यवस्था देखती है, इसकी मैनेजमेंट देखती है, वो है महासभा। ऑलराइट, जनरल असेंबली जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10
नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो दो दो साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, फिर नया देश जुड़ता रहता है। और भारत अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अभी फिलहाल भारत नॉन अस्थायी सदस्य में से शामिल है, ठीक है, तो 8वां बार अभी भारत सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं, तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो है अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। ऑलराइट, तो ये देश तो आपको याद ही होंगे, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है जो आप बहुत पहले से जान रहे होंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किस देश ने किया था? तो वीटो इज अ काइंड ऑफ स्पेशल पावर जो ये सिर्फ 5 मेंबर्स जो हैं परमानेंट वही यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिका ने वीटो यूज किया था 1971 में, मार्च 1971 में रोडेशिया के खिलाफ। ऑलराइट, और जैसे ही किसी नए देश की बात होती है कि वो इसका भागीदार बने, वो इसका मेंबर बने, तो बकायदे 193 मेंबर्स बैठते हैं वहां पर जनरल असेंबली में, और इसके लिए 2/3 मेंबर की सहमति जरूरी होती है कोई नए देश को उसके मेंबर बनने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश जो है वो रूस है। वीटो का सबसे ज्यादा अभी तक प्रयोग किसने किया है? तो वो है रूस। वीटो इज अ काइंड ऑफ स्पेशल पावर गिवन टू परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, 6 भाग हैं इसके। ऑलराइट, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएनओ की प्रथम बैठक जो है वो 10 जनवरी 1946 को हुई थी, 1946 को यूएनओ की पहली बैठक लंदन में, तथा महासभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। ठीक है, महासभा की पहली बैठक जो है जनरल असेंबली की वो 1952 में हुई थी, लेकिन यूएनओ की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 में लंदन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल जिसे कहते हैं, तो वो यूएनओ का प्रधान होता है। ठीक है, आगे बताएंगे कि अभी आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके कौन है अभी फिलहाल सेक्रेटरी जनरल। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल जो थे, जो महासचिव थे, वो थे त्रिग्वेली। त्रिग्वेली किस देश के रहने वाले थे? तो नॉर्वे देश के रहने वाले थे त्रिग्वेली। आगे बढ़ते हैं, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम एशियाई महासचिव यूथैट थे, जो कि वर्मा म्यांमार के रहने वाले थे। यूथैट प्रथम एशियन जनरल सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी है एंटोनियो ग्यूटेरस, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल है। एंटोनियो ग्यूटेरस जो कि पोर्चुगल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल वही देश है जिस देश से क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉलर आते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? द हेग में, नीदरलैंड्स में। ऑलराइट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1946 3 अप्रैल में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां है? द हेग, नीदरलैंड्स में। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, और जब भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 15 न्यायाधीश हैं और 9 वर्ष के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत से अभी तक 4 जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं, उसके मेंबर रह चुके हैं, उसके 15 जजेस में रह चुके हैं, और उनके नाम कुछ इस प्रकार है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। तो उनके नाम है सर बेनेगल राव, इसके बाद दूसरे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इसके बाद तीसरे थे आरएस पाठक, और चौथे और वर्तमान में भी हैं वो दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट हैं, और अभी वो फिलहाल 15 जजेस में से एक हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। दलवीर भंडारी याद रख लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2-3 सालों में कई सारे एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित थी। विजयालक्ष्मी पंडित पंडित नेहरू की बहन थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। ऑलराइट, अब एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र
में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑलराइट, यूएनओ में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी एम एस सुब्बलक्ष्मी, जो कि म्यूजिशियन है, जो कि गायिका है। 1966 में पहली बार उन्होंने यूएनओ के जनरल असेंबली में, कोई पहली भारतीय महिला जिन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो उनका नाम है एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, और अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।